कुछ दिनों तो इस पिंडर परिवार को
सदीनी भी छोड़ा देंगे हम राजा रंगनक हो रहे रंगनक तो फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे थी साढ़े बहुत ही सत्कार जो वीर वीर अमनप्रीत जी की अंतम अरदास गुरु रूप हरि सतसंग जी सब तो पहला रसना पवित्र करिए गज के बुलाओ फतेह आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर अमन जी के अंतम अरदास शामिल हुए समुची सतसंग फतेह साझी करता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फरीदा रावे कन्ने बगला बैठा केर करे केर केर करे ते हंज नू अचिंते बाज पै ते सरब दे केला विसरिया जो मर चित न चेते सन सो गाली रखदी है। बड़े दुख नाल ये गल कहनी पै रही है कि अपने सूबेदार परिवार दे विच भी कुछ अजिहा ही पिछले दिन वापरिया कि अपने सारे में बहुत अजीज सूबेदार परिवार का एक बहुत वधिया हीरा चमकदा सितारा आप सारे नूं सदीव विछोड़ा दे गया। सगल समगरी तुम रहे सुंदर तारी तुम ते हो की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक नहीं ते आय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहुई सहाय अर्जुन हर को वेदनो सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस निर्थ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नदावै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय ध्यान धर के धासन भोलाई पंजा दरदार सर्वं धर्म का जयकार दिवस चार को पिखना सरोकार पाद पूरना मद पूरना पंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणम नानक अगन हसन जगदीश। अमन प्रीत सिंह जेडे 10/11/1974 च कोटले पठानकोट कोटले सूबेदार परिवार विच पैदा होए उन्हां मुढ़ली विद्या जब्बोवाल सीनियर सैकेंडरी चो हासिल करके ते खालसा कॉलेज चो बीए दी विद्या हासिल कीती। विद्या हासिल करन तो उपरंत उन्हां दा जीवन सियासी जीवन च रंगिया गया उन्हां दा इलाके दे विच कोई 10-15 पिंडां विच इन्ना प्यार बनिया सी क्योंकि वह हर एक दी दुख तकलीफ सुनते सन खास करके गरीब परिवार दी विआहां शादियां च अपना जिहड़े ही उन्हां दी हेल्प करना उन्हां दा एक मकसद जिहा बन गया सी। जदों इन्ना प्यार हुंदिया होया जदों ये विछोड़ा पिया इस इलाके बिल्कुल सुन सांझ पई आ दुखी परिवार जिहड़ा अपने परिवार सारे वो बहुत दुखी आ। मैं भी अपने भरा अपने रिश्तेदार अपने सज्जन मित्र दे इस विछोड़े तो ना सहन करता होया परमात्मा अगे अरदास करदा वा सच्चे पातशाह तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने अपने चरणा च निवास बख्शो मगरों परिवार को भाणा मनण का बल बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी। Sampai jumpa di video selanjutnya.
नानक गुण गावे मिठा लगे
कोई ना बन गई मुझके
जिन्हां की पावन बाणी का इस शब्द सरवण किया है। सतगुरां जो नानक गुण गावे, अर्जन देव महाराज जी कह सकते ने, तेरा किया पूरख ना को सियाना, वरतै सब किश तेरा भाणा। मैं पहले भी बेनती की सी कि साढ़े मन के जरूर है अज के कुछ समा सरदार अमनप्रीत सिंह इस संसार के होर रह जाते, पर सतगुरु जी कहते हैं मनुखा को यह गल कहना है कि वह कुछ समा होर रह जाते, पर पता सानू भी नहीं, क्योंकि सतगुरां की पावन बाणी के वचन ने, साहिब समाले पंथ निहाले असा पे उथै जाना। असी भी एक ना एक दिन इस संसार को छड़ के इतों चले जाना है। तो सतगुरु जी कहते ने हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। पता नहीं एक सुहास आया है दूसरा आना कि नहीं आना। तो असी कहने बहुत माड़ा होया, पर सतगुरां की पावन बाणी के वचन ने ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। जो भी इस संसार दे विच आया है उसने एक ना एक दिन इस संसार तो तुर जाना है। आओ तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन बाणी के शब्द के नाल जुड़ना करिए। सतगुरु जी अपनी पावन बाणी दे विच कहिंदे ने, नांगे आवन नांगे जाना, हर हुक्म पहिया क्या कीजै, जिस की वसत सोई लै जाएगा, रोस किसे से कीजै। किहदे नाल रोस करना है? उस परमेश्वर के हुक्म के अनुसार मनुख इस संसार दे विच आउंदा है। जदों वो अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म आ जाए, प्राणी नूं इस संसार तो जाना पैंदा है। सतगुरां की पावन बाणी के वचन ने जम्मण मरना हुक्म है, भाणै आवे जाए। जम्मना ते मरना इह तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार। ये उस करते की रजा है, उस करते का हुक्म है। आओ पावन शब्द जुड़ना करिए।
सोई ले
सुरती ही पत होए सर्फ है सर्फ है सदा सदा एवे गई विहाए नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही लै जाए। बिना पुछन तो बिना किसी सलाह तो जदों को अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म हुंदा है, क्योंकि सतगुरां दी पावन बाणी दे वचन ने जदों लोग इस संसार दे विच आउंदा है इस सतगुरां दी पावन बाणी दे वचन ने मरन लिखाए मंडल में आए उस परमेश्वर वाहिगुरु की रजा है साड़ी उम्र 10 दिन की लिख देवे, साड़ी उम्र 10 साल की लिख देवे, साड़ी उम्र 50 साल की लिख देवे। गुरु की संगत मौत दे कारण वक्त वक्त हो सकते ने, पर मौत एक भिखारी नूं भी आनी है ते मौत एक करोड़ापति बंदे नूं भी आनी है। छड़ के तुर जाना है, सो आओ एक शब्द की हाजिरी होर उस तो उपरंत समाप्ति है। तो मेरी हाथ जोड़ के चरणों के आप समूह संगतां ने बेनती है, क्योंकि जिथे रिश्तेदार साध संबंधी पहुँचे ने उथे नगर निवासी जो कि पूरे पंजाब तो पतवंत सज्जन भी पहुँचे ने परिवार के नाल दुख साझा करन दे लई। पर उस तो वड्डी साडी जिम्मेवारी जिहड़ी है ना वो ये बनती है मगरों परिवार को सात संबंधियों को भाणा मनन का बल बख्शिश करी। मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वह साहिब सिओ मेल। संगतां नूं बेनती है चौंकड़ियां लगा के मन की एकाग्रता दे नाल अपनी रसना तो यह पावो तेल संबत साहा सज्जन जो हो वैसा है दुसे उम्मेद सारी संतों के पाप ये हो सज्जन आशी सड़िया से दे आवन
सेवा प्रवान कभी जाकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सैन से मन दिया वरदानिया राग तन परवार परिया शब्द का बनियाया जब दो का लाभ हरि ने रामन जिनी वसाया तेरे नाम ज्ञान हुआ सतगुरु मैं पाया मन मेरिया तू सरा रहो हर नाल लो तू मन मेरे रूप सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सपना कला सुरा स्वामी सो गौ मनो सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रे अपना तेरे सब क्षण स्नेह सो पाए सदा सुख सलाह तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाके शब्द दे दे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं हर तेरे साचा नाम तेरा ना तारो सच नाम आधार मेरा उपमा सब तुम्हारा प्रशांत सुख मन लै वसिया ईशा सब तुम्हारा दाखू पान कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम तेरा आधारो वाचे मन शब्द जित कार सुभाके हर सुभाके शब्द राजे करा दिता तारिया पंच दूत मुत वास मीते काल कंठक मारिया कारम पाया तुम किनको से नाम हर के नाते कहे नानक तै सुख हुआ करे अनहद बाजे अंत सुनो मन भागियो सगल मनोर पूरे बार परम ब्रह्म पाया मुरे सगल सुन दुख रोग संता पुत्रे सुने सच्ची पानी संत सारिन पहे सर से पूरे करते जानी रुने पुनीत कहते मन सब को रया पर पूरे मेरे भक्त नारायण पुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे सुनो पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत जसरा तुह ताई दाया तेरे सकल जगत कन्याया मुरियाया बचे कर्म दूर कर्मिया पुआ पुनी लेने रह के दूर जिनी नाम प्याया तेरे सबका नानक पे पूज ले तेरी छबीना कीर्तन करते करो बेअंत प्रकार दियां बोलां होईयां ने गुरु रूप संगत बख्शन योग है जी सतगुरु जी अकाल बख्शिश समूह संगत की हाजरी दर प्रवान कर सबनों गुरसिखी की दात नाम की दात चढ़ती कला बख्शिश कर जिन्हिया भी संगत दूर दराजे तो चढ़ के आईया ने गुरु साहब सबनों दाजरिया प्रवान करवार का हुक्म दसरिया तक साबी भीर जी छजल मंडी तो जिन्होंने उस जीव इस धरती से आते हैं इस दुनिया से आते हैं वो रही दुनिया तक अपना पैरों छड़ जाते हैं अपना पीर सिंह उतों तक इन्हों का साढ़े ना संबंध से साढ़े पिंडागर इन्हों की दुकान से तो सत्संग जी ऐसा हंधा बंदा सी असी इन्हों के नाल विचरते रहे डॉक्टर दलजीत सिंह जी होने उन्हों का बड़ा प्यार से जदों भी आते सर अमन की दुकान से रुकना सानू कहना अमन की दुकान पर आ जाओ कोई किसी गरीब का काम हो गया अमन ने कभी यह नहीं देखा भी मेरी दुकान जी है ये कोई हैगा या नहीं हैगा गुआढ़ी को कह के साढ़े नाल तुर जाना चौकी हो थाना हो एक बार राजोआणा साहब ने कहा झंडे लाने जी केसरी तो मैं पता सरपंच जी तुम पता नहीं झंडे लाने फोन आया मैं क्या मना ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं यार इन्हें भावें कि साहब सिख तो है ना अपना तो सात संघ जी उस वेले झंडिया का बंदोबस्त करके सारे अड्डे के पलों तक साढ़े नाल शख्स ने झंडे बदले तो मेरा कहने का भाव है कोई धार्मिक काम होवे कोई राजनीतिक काम होवे किसी गरीब की मदद करने का काम होवे ये हमेशा ही अगे हो के करने वाले मेरे वीर सन ये जो अकैद असह विछोड़ा भाई बलविंदरपाल सिंह जी अमरीत सिंह जी टोली उन्होंने माता जी होर किसी रूप के भी कहा नानक किसनों आखिया बिन खुशियां ही लै जाए एक पास्यों
प्राण। एक किसान ने खेती बीजी वो मर्जी है कच्ची वसो बिनस है। गुरु तेग बहादुर जी कहते जो पैदा होया इस दुनिया के उत्ते एक दिन जाएगा। जो उपजे मनुखा की गल नहीं की, जीवन की गल नहीं की, जो उसकी डायरी में लिखा हुआ है किसी ने दसिया नहीं, सानू नहीं पता साढ़े नाल दो मिनटों में की होने वाला है, सानू किसी को नहीं पता, आपां भी जाना है सब करना। ये अमनप्रीत सिंह साढ़े नाल हुंदा सी, उम्र उम्र भी छोटा सी पर साथ पूरा दिंदा सी साडी पार्टी नूं, इन्हां दे घर वालियां नूं। ते जिहड़ा कि सुणी दवीर सिंह होणी बैठे, ए आर सर बैठे, ये भी आए एक दो वारी इन्हां कोल। ते वह आदमी इन्हां जिन्हें भी नेता इत्थे पहुँचदे सन खिड़े मत्थे मिलदा सी नाल अपनी गड्डी लै के। जे कोई मेला होवे, जे कोई किसी के घर दुख सुख होवे, कोई विआह शादी होवे, जां डॉक्टर साहब ने एम एल ए हुंदिआं कितें बहना होवे, ये वो नाल जाके लोगों के मसले हल करवाउंदा सी। तो सार संगत जी जे हर चिरी लिखिया ते हा हुकम कमाहे धल्लै आवें नानका सदे उठी जाए। तो आपां परमेश्वर ने जिन्हें भी सुवास दे के भेजे है आपां चले जाना है। यादा रह जांदियां ने, दो गल्लां लोग याद करदे ने, एक नेकी ते एक बदी। नेकी कीती नूं याद किया जाता है, औरंगजेब ने बदी कीती उहनूं भी याद किया जाता है। आपां ये अज धार लईए कि ये परिवार जो साढ़े नाल विछड़दा रहा है, क्योंकि मैं इन्हों का भी वार्डमा सरदार रेशम सिंह होना करके इन्हों की दुकान पर मिलते रहे हैं। भाई फिरिंदरपाल सिंह जी, सूबेदार अवतार सिंह जी, रेशम सिंह जी, ये सारे बड़े नेक बड़े चंगे परिवार के भाईचारे रहने वाले इंसान ने। तो जिहड़ा घाटा जिन्हां नूं पै गया है, जिहड़ा नुकसान इन्हों का हो गया है, उन्हों कोई पूरा नहीं कर सकता। पर कहिंदे है खुशी दे विच शामिल होइए ते खुशी दूनी हो जाती है, ते जे किसी के गम नूं वड़ाउण तुरीए ते गम तां हो जाता है। तुसीं आए हो, तुसीं इन्हां नूं हौसला दित्ता, एक हौसला हुंदा है संगत कि ये गुरु साहब नाल ने, गुरु दे हुंदे आ लीडर साहिबान नाल ने, संगत नाल है, पंच सरपंच इलाका नाल है, ये इन्हां दी मेहनत सारी है कि कोशिश जिहड़े तुसीं इकत्र होए हो ना, ये उस भाई अमरप्रीत सिंह ने जिहड़ा प्यार बनाया सी ये उहदी बदौलत वी अज आपां इत्थे इकट्ठे होए हाँ। तो मैं बेनती करांगा बुलारे सज्जणां नूं कि नाम मेरे कोल बहुत ने। तो साध संगत जी महेंद्र सिंह जी सगलवटी चेयरमैन मार्केट कमेटी रही आ, वह संगतों नूं दो मिनट वास्ते भाई अमरप्रीत सिंह नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे जी। भाई महेंद्र सिंह जुड़ बैठी गुरु रूप साहिब सिंह जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज आप सारे अमरप्रीत नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते इकत्र होए हैं। जिवें सरपंच साहब ने दसिया अमनप्रीत मतलब समुचा परिवार इस इलाके सत्कारयोग परिवार से, तुसीं अज देखिया कि हजारां की गिनती दे विच संतां दा इत्थे पहुंचना, जिन्हें इलाके के जिम्मेवार वीर ने, लीडर साहिबान मजीठिया साहब वर्गे सियासी सलाहकार कुलवीर सिंह जी गिल जी जे तौर पर इतने पहुंचे, इन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते। ये इस परिवार का लोगों के बनाया हुआ प्यार, इस परिवार ने खेती के बहुत तरक्की की, बड़ी वही सेवा इस परिवार ने किसानों की की, क्योंकि किसान दोनों दिन जरा इस घाटेबंद खेती के घाटेबंद सौदे के जरा मताड़िया जा रहा है। इस परिवार ने यूपी के अपना फार्म तैयार करके उतों बड़ा वधिया भी मटर का लिया के किसानों दिता, जिद न किसानों ने पिछले समय के चंकी आमदनी जी प्राप्त की। अमनदीप सिंह होनी टांगर के दुकान करते, जिते समझ लो कि अकाली दल का हैडक्वाटर से, किसी लीडर ने बहरों आना या किसी वर्कर ने आना तो अमनदीप के कोल आ जरा ठहरना। अज चले जाने जिते परिवार को बहुत व्डा घाटा पिया, उत्थे साडी समुची अकाली दल की लीडरशिप में बहुत व्डा घाटा पिया, क्योंकि योजे अनमोल हीरे का चले जाना फिर बहुत छोटी उम्र के, क्योंकि अजे कोई टाइम नहीं उन्होंने जानता, इन्नी छोटी उम्र इन्ने वधिया काम कर जाने, ये उस सरकार की कृपा ही हो सकता, नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता। स
ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਬਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੋਲੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ
सरपंच पंच जां अकाली वर्कर जां उहदे प्रेम वाला कोई साथी ना पुज्जा होवे पर सरकार बनी MLA साहब उन्हां नूं चकराउंदे ही रहे पर असी सत्कार करते हाँ सरदार बिकुन सिंह मीठिया साहब का उन्होंने कभी भी किसी वर्कर नूं ठुकराया नहीं अमनप्रीत सिंह रात ने नली साहब बैठे प्रेस रिपोर्टर इन्होंने सारी गल का पता कि जदों भी कि अमनप्रीत सिंह लोड़ पई असी उस पास्यों काम हल्के का भी लैके देते रहे तो जो कि सानू लोड़ पई अमनप्रीत सिंह रात भी सानू आवाज दिंदा रहा साध संगत जी क्योंकि गलत जड़िया करनिया पमनप्रीत सिंह के नाल दास का बहुत प्यार से जो भी कि कोई पार्टी की गल हूँ सी असी कट्ठे सलाह नाल सारे तुरते हैं परिवार को हमेशा अमनप्रीत सिंह प्यार लैके अगे बढ़ता रहा पर अज जो ये दुख है परिवार को और पार्टी को इलाके के भैन भरावान सहन करना बहुत औखा क्योंकि परिवार के भी बच्चे पालना ये नौजवान करना बहुत औखा पार्टी कह दें हमेशा पार्टी जी वर्कर की मां होंगी है तो पार्टी में भी योजा वर्कर पैदा करना बड़ा ही साध संगत जी औखा हों मैं इन गल् कहता हो परमात्मा के अगे अरदास करना सच्चे पातशाह परिवार को और वो साथी संबंधियों भाणा मन का वर बख्शी इस मेरे नौजवान वीर अपने चरणों के सच्चे पातशाह रखी और पार्टी की सेवा जिस तरह अमनप्रीत सिंह ने की और मैं अमनप्रीत सिंह के परिवार को यो बेनती कराँगा कि इस तरह ही पार्टी की सेवा बढ़ चढ़ के करते रहन क्योंकि पार्टी हमेशा एक इलाके के संसार के विचरन जिस तरह अमनप्रीत सिंह का प्यार बनिया सी प्यार हमेशा बधाया वधदा है ये बेनती प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी जसबीर सिंह समती मैंबर कांगड़ा गुरप्रीत सिंह सरपंच कोटला मलकीत सिंह जी शाह कोटला विरेंद्र सिंह मंड जबोवाल संतोष सिंह भलाईपुर तजिंद्र सिंह शाह जसविंदर सिंह शाह तरसेम सिंह सरपंच अड्डा कांगड़ा बॉबी खानकोट कश्मीर सिंह सरपंच गगड़ेवाल कश्मीर सिंह जी योधा नगरी दवाइया वाले सतनाम सिंह जी मल्ली पत्रकार उन्होंने इतने आने धन्यवाद है जी क्योंकि उन्होंने मित्र सन चढ़ती कला वाले टीवी मल्ली साहब तो खालसा जी का भी इतने आने बहुत धन्यवाद है जी हूँ कुलबीर सिंह जी जीरा जिथे मेरी आवाज़ सुनते हैं दो मिनट वास्ते श्रद्धा के फुल भेट करेंगे जी कुलबीर सिंह जी जीरा पावन पवित्र गोद में सेजल अखा नाल ते भरे हुए मन नाल बैठी हुई गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सब तो पहला प्यार भरी फतेह बुलाने हाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आए नानका सदे उजय दे माँ आकांसार साढ़े बहुत ही मान ते सत्कार जो साढ़े वड़े वीर सरदार अमनप्रीत सिंह जी जो कि पिछले कुछ दिनों तो इस पिंडर परिवार को सदीनी विछोड़ा दे गए हैं अज आप सारे उन्होंने अंतम अरदास एकत्र होए मेरे तो पहला बुलारिया ने इस साढ़े रंगले वीर बारे बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया जा सकता है पर हुंदा वो ही है जो परमात्मा नो मंजूर होवे क्योंकि इंसान जदो भी संसार दे उपर आउंदा है तां सब तो पहला उसकी मौत की तरीक निश्चित कर दिती जांदी है आते मैं ये गल कहांगा क्योंकि साढ़े बहुत ही सत्कार योग तजेंद्र सिंह जी शाह जिन्हां नाल इन्हां दी नज़दीकी रिश्तेदारी सी जिस करके इस सोगमई समय के उपर सरदार इंदरजीत सिंह जीरा ने आप पहुँचना सी अरदास उन्हां दी जगह ते हाजरी लवाउण लई आया है और मैं आखिर विच ये गल कहांगा
कि सच्ची ते सुची श्रद्धांजलि यह होगी कि जो जिवें साडा वीर अमनप्रीत ने लोगों के विच काम किए। मैं ये गल कहांगा गुरु महाराज जी की हजूरी दे विच कि 84 लाख जून दे विचों एको जन्मे मनुखा जन्म जो इंसान नूं प्राप्त हुंदा है और सानू गुरु वाले बनना चाहिदा है और साड़ी ये धरती पंज दरियावां दी जिसने छेवां दरिया नशियां दा वग रहा है। जे असी आपदे पुत्तां नूं इन्हां नशियां तो बचा लिया गुरु नाल जोड़ लिया ए मेरे वीर लई सच्ची ते सुची श्रद्धांजलि है। अगे आपां अरदास कीती है मैं भी दोवें हथ जोड़ के गुरु महाराज जी दे चरणां विच यही बेनती करदा कि साडे रंगले वीर नूं अपने चरणां विच निवास स्थान बख्शना पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शना। इन्ना कुछ कहिंदे आया जे बोलदा कोई लफ्ज वध घट बोलिया गया होवे खिमा दा जाचका फतेह बुलाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पर धंधियां दे विच ही ओह समां बीत जांदा है क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह सानूं जिन्नियां भी तुकां ने जिन्नी भी बाणी है नाम दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़ के पार उतारा करन दी है। सो सानूं सारिआं नूं अपने गुरु दे कहते लग के भावें कोई किसी पार्टी नाल होवे पार्टी गुरु साहब की सारी पार्टी एक ही है। गुरु जी जुगो जुग अटल सहबे कमाल दो जहां दे वाली लियोटियां दी ओट न्यासरां दे आसरे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर साध संगत दे रूप विच बैठे सत्कारयोग वीरो भैनो नौजवानों बच्चों फतेह गवाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजा रंग न कोरै रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर शेख है जाति जग फिरे कोई ना फिर रहा। अज साडे बखरदार सरदार अमरप्रीत सिंह जी सुभाषण जो पूजी परमात्मा पासों लैके आए सन वो भोग के चले गए पर पिछे छड़ के अपनी छोटी जी जिंदगी दियां बहुत बड़ियां प्राप्तियां का बहुत बड़ा भंडार। मेरे तो पहलों सैकटरी साहब सबका सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह होरां जी ने बड़ा वेरवे नाल उन्हां दी जिंदगी बारे चानना पाउण दी विस्तार नाल कीती है बयानबाजी। मैं जिथों तक उन्हां नूं जानदा मेरे बेटे दे ओ दोस्त दी उन्हां राही मैं बहुत नेड़े तो जानता ते जाति तौर ते मैं जिवें दस्सिया गया कि इधर आउणा बणिया ते फिर मैं जदों वी इधर दी लंघना इन्हां नूं मिलना ते मिल के उस आप जिहड़ी उन्हां ने अपनी होंद दी अपने मलापड़ेपन दी छड़नी वो फिर एक वीरी मिलिया भी महीना महीना चेते रहने इन्ने वधिया शख्सियत दे मालक सीगे कि एक बारी जिहड़े उन्हां नूं शोह लैंदा सी मिल लैंदा सी मुड़ के उहदा उहनूं छड्डण नूं जी नहीं सी करदा। अज जदों आपां सारा संगत इत्थे मिल जुड़ी है बैठी है ते आपां उहनां दीआं कीतियां छोटी जी जिंदगी च बड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने जिवें हुणे चेयरमैन साहब दस के गए ने कि यूपी च फार्म विच उहनां ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग करदिआं होइआं सीड ऐसा तैयार कीता मटरां दा जिहड़ा इत्थे दी किसानी नूं बहुत लाहेवंद साबत होया ते अज जिहड़ा किसानी दा पेशा जिन्हों आप समझते हैं कि बहुत ही घाटे बंदा है तो करजाई करने वाला है उन्होंने कर्जे तो नवाज जा के
ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਾਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਕ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਣੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਤੀ ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਵਾਜਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤੇ ਵਾਜਪੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਪਏ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਨੁਜ ਜਤਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਫਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਰੋਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵੀਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਤਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਰੀ ਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਮੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਜਰੋਂ ਚਿੰਤੇ ਵਾਜਪੇ ਵਾਜਪੇ ਦੇ ਸਰਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ
जो मन चेतना चेते सन सोगा नहीं रब की जिहड़ी कदे साडे चित च नहीं कदे सुपने च भी नहीं सोचिया सी कि इस परिवार के नाल इस साडे वीर दे नाल ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੂਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ तो मैं समझना जिन्हें असी सारे भैन भरा इस परिवार में दुख मंडा आए हैं साड़ी जिंदगी बहुत रजेम है भरी जिंदगी सानू इत्थे बैठा बहुत दुख है क्योंकि जो किसी परिवार का नौजवान बच्चा किसी साड़ी भैन के सिर का ताज किसी माँ का पुत प्यो का पुत जो जाता तो ये उस परिवार को पता होता कि दुख की चीज़ है असी इतों चले जाना किसी होर जेवियां च बिजी हो जाना सानू याद भुल जाना पर इस परिवार के नाल मैं समझदा अज एक बहुत वड्डा जिहड़ा नाम पूरा होने वाला घाटा पिया पर कीता कुछ नहीं जा सकता उस परमात्मा के हथ वास आ उस सच्चे पातशाह वाहिगुरू के हथ वास आ सानू सिख होने नाते उसका भाणा जिहड़ा है मिठा करके मनना पैना मेरे तो पहला सरपंच साहब ने बहुत विस्तार साहब वीर के जीवन बारे चानना पाया कि कभी भी कोई पार्टी का प्रोग्राम आना तो गां के हाथ भी सनाह खिला देना तो उन्हें आपकी जिहड़ी जिम्मेवारी बखूबी निभाई मैं समझदा अज जिथे परिवार को घाटा पिया उत्थे पार्टी को भी बहुत वड्डा घाटा पिया मेरे तो पहला तो भैया साहब गल करके गए कि कई बार पार्टी के जो वर्कर मोटी हो के लड़ाई लड़ता तो उन्होंने इग्नोर किया जाता तो फिर उस वर्कर का दिल जाता ये बिल्कुल सही गल है ये साड़ी सारे की जिम्मेवारी बनती है तो अज आप उस सच्चे पातशाह वाहिगुरू की हजूरी के बैठे हाँ तो इस परिवार को यह विश्वास दवा के कहीए कि वीर अमन प्रीत के मुद्दा जे कोई किसी तरह दियाँ पार्टी तो कमियां पेशियां रही साढ़े सारे सत्कारयोग एम एल ए साहब सबका एम एल ए साहब जिस परिवार के नाल दिन राज का रिश्ता सीगा डॉक्टर दलबीर सिंह जी वीरता साहब कमिश्नर साहब वो भी बैठे ने असी अपनियां कमियां पेशियां नूं जरूर अंदर झाती मारीए तां कि आने वाले समय के इस परिवार के उत्ते असी जो कुछ इस परिवार लिए कर सकते ही वो इन्होंने विश्वास दवा के ये जरूर हाजिर होव अखीर में मैं अपने वालों अपने वड़े वीर सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी वालों अपने वीर नूं श्रद्धा के फुल भेट करदा और फिर यही विश्वास परिवार को दवाना कि दास हाजिर है एम एल ए साहब भी आ गए ने ये भी हाजिर ने जो कोई पिछे कमी पेशी रह गई आ तो उसकी अं पार्टी वालों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं और गांह ये विश्वास दवाने कि गांह किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी अखीर में मैं फिर ये बेनती जरूर करांगा कि इंसान जिहड़ा वो भुलण आ रहा जिंदगी दे विच विचरदिआं कई तरह दी कोई कमियां पेशियां रह जांदियां ने जे साडे वीर कोल जिंदगी दे विच विचरदिआं किसी तरह की कोई कमी पेशी रह गई तो आप अज बहुत वड्डी गिणती दे विच इकत्तर होए आ तो सच्चे पातशाह के चरणों से अरदास बेनती करिए कि सच्चे पातशाह वाहिगुरू उन्होंने उन्होंने कमियां पेशियां दूर कर दें उन्होंने अपने चरणों में नवास बख्शना पिछे इस परिवार से अपना मेहर भरिया हाथ रखना इन्हों कुछ कहता हुआ मैं कमां दा जा चुका हाँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह धन्यवाद जी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र गोद में बैठे वीर अमन जी के अंतम अरदास शामिल हुए समुची सात संघ फतेह साझी करता वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मेरे तो पहला शब्दों के फुल भेट करके गए थे साढ़े
ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰੀਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾ ਗਏ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹੀਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀਰ ਅਮਨ ਜੀ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਲੰਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ, ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਹੱਡ ਚੱਪਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀ ਵਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸੇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਜਾਜਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡੇਰਾ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰਾਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦੇ ਹੰਜ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀਰਾ, ਚਮਕਦਾ ਸਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
सरदार अमरप्रीत सिंह जी को श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं। उन्होंने जीवनी, उन्होंने करैक्टर, उन्होंने हिम्मत, उन्होंने ईमानदारी और जिहड़ा उन्होंने इस इलाके दे विच श्रोमणी अकाली दल का थम बन के सेवा की, सारे बुलारिया ने उहदे उत्ते आपो अपने हिसाब दे नाल चाना पाया। सो मैं जिहड़ा उन्होंने नाल जाति तौर पर मेरा सांझ बनी, भावें सूबेदार परिवार नाल, मैं जे ये कहां कि सानू बचपन तो ही उन्होंने नाल साडी सांझ सी। मैनू चंगी तरह याद आ कि असी सारा परिवार गुरु वाले बड़े अमृत छकिया, तो प्रेरणा सूबेदार परिवार चो मिली। जदों इन्हां दे घर एक रहन सफाई कीर्तन होया, दास उत्थे गए, अते उस दिन तो असी सानू सिक्ख्या मिली और सारे साडे परिवार ने अमृत छके। ये सूबेदार दी साडे परिवार नूं देण आ ते अमन होरी, क्योंकि सूबेदार परिवार जिहड़ा एक उगा साडे पिंड का ही नहीं, साडे पिंड नूं इह सुभा गया कि जबोवाल पिंड हुंदिया होया जमीन साडे पिंड भी आ, जबोवाल दी भी आ, और जिवें कह लईए कि एक बहुत चंगा इंसान साडे साडे पिंड दे विच आ के वस गया। और पिंड दे विच इहो जिहा उहनां दा किरदार है कि हर एक परिवार दे नाल अजिही सांझ है कि कोई ये आके, हर एक इंसान आके कि मेरी सब तो ज़्यादा जिहड़ी सांझ आ उह सूबेदार परिवार दे नाल। सो अज एक बहुत परिवार का चमकदा सितारा, साडे नगर का बहुत वधिया एक हीरा, श्रोमणी अकाली दल का इस इलाके का थम, और इलाके दे विच हर तरह के फरियादी लोग, इन्हां दी मदद लैण वाले, इन्हां दा साथ लैण वाले जिहड़े वांझे होए ने, ये सारे इलाके के लोग, ये बहुत दुखदाई जिहड़ा ये घटना वापरी आ। सो साडे कोल कोई अजिहा लफ्ज़ नहीं हैगा कि जिहड़ा घाव साडे दिल दे उत्ते, साडे मन दे उत्ते उन्हां दे जान दा पिया आ, असीं उहनूं एक्सप्लेन कर सकीए। मैं कहिंदा धन आ सूबेदार परिवार, जिस वेले तो ही पिछली 10 तरीक तो जदों उन्हां सारिआं ने अमन जी ने आपां नूं छोड़ा दित्ता, ते जिन्ने भी लोग दुख प्रगटावा करन उन्हां दे घर विच पहुँचते रहे, ते बहुत एक जिहड़ा वड्डा महान इंसान हुंदा है गुरमत दे अनुसार, इवें उन्हां दे विच बह के उन्होंने उस दुख नूं साझा किया, उन्होंने सारिआं नूं सुनिया ते आप अमन जी बारे दस्सिया। सो गुरु प्यारी साध संगत उहदा कुछ नां कहिंदा होया, सिर्फ एक गल मैं कहनी चाहुंदा हां कि बड़ा पुराना जिहड़ा इस इलाके दे नाल दास दा संबंध रहा, 1980 दे विच मैं पहली इलैक्शन लड़ी सी, और जिस वेले ये अमन जी जवान होए ने उस वेले तो ही, जिस वेले इत्थे अड्डे ते आ के इन्हां अपना कारोबार किया, तो उस दिन तो ही साडे नाल इन्होंने श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी उह वध चढ़ के सेवा की। जदों भी कितें तसिके बैठ दे विच कोई भी प्रोग्राम होंदा, असी आम करके इसे टांगरे दे सड़क तो ही अगे नूं जाणा, और जदों भी उहनूं अमन जी नूं कहणा कि अमन जी आओ चलिए फलाने तां पार्टी का प्रोग्राम है, उन्हें कभी नहीं सी दुकान वाल मुड़ के वेख्या। जे नौकर आ, नौकर नूं कहता मैं आना आ, जे नौकर भी नहीं हैगा तो दुकान का शर्ट थां करके साडे नाल तुर के तुर पैंदा रहा। सो अजिहे जिहड़े वर्कर ने, लीडर ने, वह बहुत घट इस दुनिया में पैदा होंगे आ जिन्हां ने निष्काम सेवा की हो। और मैनूं याद आ कि बहुत सारे अजिहे काम उन्होंने किए, जो अजिहे लोगों की बाह फड़ी अपनी जेब चो ही उन्होंने जो वो कर सकते सी वो खर्चा करते रहे। मैं अज के इस दुखदाई, बहुत विरागमई समागम के विच दास नू हुक्म होया कि मैं जिन्हें भी इस समागम के विच बहुत सत्कारयोग साडे
सिंह साहब ज्ञानी राजवीर सिंह जी अरदासी सिंह श्री गुरु श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब परिवार वालों मैं धन्यवाद करता हाँ कीर्तनी जथा जिन्होंने विराजमान कीर्तन किया बहुत सत्कारयोग सूबेदार आदे गिल परिवार के रिश्तेदार साहबान अपने नगर कोटला के बहुत सत्कारयोग निवासी आदे होर वक वक संस्थावां तो आए बहुत सत्कारयोग आगू साहबान वक वक पार्टियां तो पहुंचे नुमाइंदे साहबान आदे साडे बहुत सत्कारयोग सरदार तरवीर सिंह जी गिल जो यूथ अकाली दल के सकत्तर जनरल हैं उन्हों का भी मैं धन्यवाद करता हाँ आदे नाल दी नाल मैं ये भी गल कहनी चाहना हाँ कि जिहड़ी यूथ अकाली दल की पिछली ऐस जिहड़ी हुण बॉडी बनी है इस बॉडी के भी वो अहुदेदार ने लेकिन इस तो पहली जिहड़ी बॉडी बनी सी यूथ अकाली दल की उहदे विच भी वो कौमी जिहड़े ज्वाइंट सकत्तर के तौर पर उन्होंने इस इलाके की सेवा की सो यूथ अकाली दल के बहुत सत्कारयोग सकत्तर जनरल आए ने मजीठिया साहब का भी उन्होंने इतने संदेशा पढ़िया रखिया मजीठिया साहब का भी और सरदार तरवीर सिंह जी गिल साहब का भी मैं लख लख धन्यवाद करता हाँ तो बेनती है कि जदों अमन दे काके नूं मिलदे आ जां उहदा नां पुकारदे आ ते रोणा आ जांदा आ कद अथरू अहीं रोक नहीं सकदे और टोनी जी उहनां दे भरा जिहड़े ने अजे अमन दी भी कोई एड्डी ज्यादा उमर नहीं सी ते टोनी दे कोल तों भी छोटा आ सो बड़े बड़ा दुख आ ते उहनां वल्लों सारी संगत नूं बेनती है कि अरदास तो बाद प्रसाद लै के ते जिहड़े वीर मेरे भैन जां होर जिहड़े इत्थे इस समागम विच आए ने दुख वटाउण ओ लंगर जरूर छक के जाण इहनां शब्दां वल्लों नाल मैं बहुत सत्कारयोग सूबेदार परिवार अते गिल परिवार वल्लों एक बारी फिर सारियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा हाँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का सगल समगरी तुम रह सुंदर तारी तुम ते हो आज्ञाकारी तुम्हारी आनी बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सुंदर कह गुरु नानक नहीं त्याय फिर अंगद प्रत्ये अमरदास रामदास सहुई सहाय अर्जुन हर को वेदनो सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नतावै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु पंजाब सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को
सिखन सिखी दान के सदान रहत दान अभेग दान सहदान प्रहुसादान दन्ना सिरदान चरेशदान चौकिया चंदे भुगे जुको झुके अटल धर्म का झकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन दीवा मत जी आई दा तार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर कर दवारिया कर धमा दे जन्ना तो पंथनों विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दार खालसा जी न वाखे शाल ते ने माने आदे मान श्रिया दे हसरा करण कारण पतत पावन भगत वश अकाल पुरख वाहे गुरु जी धन धन सुधी सुल्तान साहेब श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जिया दे चरण कमला में सब संगत भला धोए कर जोड़ अरदास बेनती है सतगुरु जी गोर पानी दे पावन महावाग हन भरीता दरिया वे कने भगला बैठा केल करे दे हंजरो अजंते बाज पाए रब दे तेला विसरिया जो मन जतना चित सना सो गली रब किया दे महावा कंसार दीन दयाल सतगुरु आप जिया दे धरो करो वरसाय सरदार अमन प्रीत सिंह गुरु गरी गुणवान आप जिया ने जिन्नी सवासा दी पूजी दे करके इस बात लोक ते भेजिया उस नूं भोगदे होया पिछले कुछ दिनों तो इस लोक तो परलोक गमन कर गए हन अकाल चलाना कर गए हन पिछों दिनों दे समूह परिवार संबंधियां कुटुंबियां वालों रल मिल करके इन्हां दी आत्मिक शांति रूह दे करिहाणे आप जीआं दे चरणा कमलां दा उते आसरा लिया है गुर दे पिता जुगो जुगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जिया दा उठ आसरा लै करके परसों दे रोज तो रबी बाणी धुरकी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए खूब पए उपरांत सच्चे पातशाह जी आप जी वालों चलाई हुई पुरातन मर्यादा अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जीओ दे महावाक अनुसार गुरु गरीब नवाज सतगुरु आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन होया सतगुरु जी होया भुला चुका दी खिमा करनी अगो तो समत बख्शनी बाणी पढ़ी सुनी धर प्रवान करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव महत्तम फला देश ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਿਖੈ ਕਤੈ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੰਥਕ ਸਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣਿਆਂ
ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੀ ਮਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਹਿ ਤੇ ਅਕੈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੇਟਾ ਤੇਗ ਬਲਧਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚਮਕੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਰਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਰਹੇ ਵਧੋਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਰਸਕੇਲ ਕੈ ਪ੍ਰਿਆ ਪਾਤੀ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪਿਖਦਾ ਤੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਆਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰ ਸਲੋਕਨਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਹਸਨ ਜਗਦੀਸੁਰ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਹਸਰ ਜਗਦੀਸੁਰ ਹੈ, ਪੇਖਨ ਸੁਨਰ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮੈ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈ
जगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाइया सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्राव जो करे सोई खिन था पियो थापदा इस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। या जा सकता है इतों तक कि यह जो अखंड पाठ होया सिमरन होया कीर्तन होया ये गुरबाणी उस विछड़ी हुई आत्मा की दरगाहे जाके भी मदद करती है। सो लोड़ है अज सेवा ते सिमरन की इस पहलू नूं पकड़िए। अमन प्रीत सिंह जेडे 10/11/1974 कोटले पथोनकल कोटले सूबेदार परिवार विच पैदा होए उन्हां मुढ़ली विद्या जब्बोवाल सीनियर सैकेंडरी चो हासिल करके ते खालसा कॉलेज चो बीए दी विद्या हासिल कीती। विद्या हासिल करन तो उपरंत उन्हां दा जीवन सियासी जीवन च रंगिया गया। उन्हां दा इलाके दे विच कोई 10-15 पिंडां विच इन्ना प्यार बनिया सी क्योंकि वह हर एक दी दुख तकलीफ सुनते सन। खास करके गरीब परिवार की विआहां शादियां च अपना जिहड़े ही उन्हां दी हेल्प करना उन्हां दा एक मकसद जिहा बन गया सी। जदों इन्ना प्यार हुंदिया होया जदों ये विछोड़ा पिया इस इलाके च बिल्कुल सुन सांझ पई आ। दुखी परिवार जिहड़ा अपने परिवार सारे वह बहुत दुखी आ। मैं भी अपने भरा अपने रिश्तेदार अपने सज्जन मित्र दे इस विछोड़े तो ना सहन करता होया परमात्मा अगे अरदास करदा वा सच्चे पातशाह तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्हां नूं अपने चरणा च निवास बख्शो मगरों परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी।